स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से पहल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। माय यूथ माय प्राइड के प्रोग्राम्स जो है हर जगह कराए जा रहे हैं, और स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से कबड्डी हो या खो खो हो या फिर चेस हो, हर एक एक्टिविटी जो है कराई जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। और आज हम बात करें डोडा की, तो डोडा में भी ये सब एक्टिविटी कराई जा रही है। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट है रविंद्र जी, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये इस बारे में क्या सोचते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। नमस्कार। तो रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि माई यूथ माई प्राइड का जो प्रोग्राम स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से कराया जा रहा है, एक्टिविटी जो है बच्चों के लिए खासतौर पर कराई जा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? रिज भाई, ये पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में स्पोर्ट्स काउंसिल जो है माई यूथ माई प्राइड के कार्यक्रम करा रही है, इसी के चलते आज ये कार्यक्रम डोडा स्टेडियम में हो रहा है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिर्फ खेल कूद की नज़र से हम ना देखें, स्पोर्ट्स हमें जीवन में ये सिखाता है कि किस तरह अपने जीवन में स्पोर्ट्स की तरह आखिरी गेंद तक हमें लड़ना चाहिए। तो स्पोर्ट्स हमें प्रेरणा देता है और स्पोर्ट्स हमें जीना सिखाता है। और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया करता हूँ कि हमारे डोडा में टैलेंट तो बहुत था लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो स्पोर्ट्स काउंसिल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहा है और हमारे यूथ को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा था कि यूथ जो है गलत एक्टिविटी में पड़ रहा था, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी जो अब डोडा में खास तौर पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं यूथ भी जो अब इन्वॉल्व यहाँ पर हो रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? यूथ बढ़ चढ़ कर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा जब यहाँ स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम ना हो, तो यूथ जो है बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी गलत साइड नहीं जाना चाहता था, सिर्फ दिक्कत ये थी कि उनको सही दिशा देने वाला कोई नहीं था। और स्पोर्ट्स काउंसिल जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, यूथ को एक सही दिशा दे रही है जिससे वो अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं, वो अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपना जो उसमें अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था इनका, और हमारे साथ जुड़े हैं जो मैनेजर स्पोर्ट काउंसिल के हैं, इनसे भी बातचीत होगी क्योंकि स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से ये एक्टिविटी जो है हर जगह कराई जा रही है, तो इनसे भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से एक्टिविटी आए दिन हमें देखने को मिलती है, कभी चेस हो, खो खो हो, कबड्डी हो, हर दिन, चाहे डोडा की भी अगर हम बात करें तो अन्य डिस्ट्रिक्टों की भी अगर हम बात करें तो जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जो माई यूथ माई प्राइड जो अभी हमने प्रोग्राम जो शुरू किया है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ख़ास करके हमारे जो सेक्रेटरी मैम हैं नुजुत गुल जी, वो बहुत इनिशिएटिव ले रही हैं। ये नहीं कि यहाँ कबड्डी, खो खो, चेस, डिफरेंट गेम, जितनी भी गेम्स जहाँ जहाँ, मतलब कि बच्चा कोई हॉकी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, हर जगह अलग अलग गेम करवाई जा रही है, ताकि मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो बच्चे नशे में पड़े हुए हैं उसे अवेयर हो जाएं और कम से कम ये अपना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, और जो फैसिलिटी बच्चों को चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा, हमें पीछे से आश्वासन दिया गया है कि मैक्सिमम बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट करें उनको आपने अलाउ करना है। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहले भी बच्चे यहाँ पर खेलते थे लेकिन बच्चे हमें ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं दिखे, लेकिन अब स्पोर्ट्स काउंसिल की शुरुआत डोडा में हो चुकी है, तो बच्चों को का जो भविष्य होगा आगे वो क्या होगा? बच्चों का भविष्य, आप, मैंने देखा ही है, यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि इतना अच्छा टैलेंट है, इनको खाली थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत है, गाइडलाइंस इनको मिलती रहे, इनको कम से कम कोचिज, इनको कोच करवाते रहें, तो ये बच्चे आगे जाके निकलेंगे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचेंगे। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, मैंने अभी देखा कबड्डी में, हालाँकि हमारे यहाँ एक मैम डिप्यूट किए गए हैं तो वो उनको कोचिंग करवाते हैं, लेकिन और अगले साल तक देखना है ये बच्चे यहीं से नेशनल पार्टिसिपेट करेंगे। सर, पहले अगर कोचेज की बात करें तो कमी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब देखने में हमें आ रहा है कि स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से कोचेज भी अब डोडा में आ चुके हैं, तो इस बारे में आपका क्या कह रहा है, आगे आने वाले टाइम में और कितने कोचेज जो है यहाँ पर बढ़े? देखिए, ये तो अभी वो प्रोसीजर चल रहा है, अभी अपॉइंट हो रहे हैं कोचेज, मेरा ख्याल कोई अभी 100 से ऊपर वो कोचेज अपॉइंट कर रहे हैं हमने सुना है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोच वहाँ भेजे जाएंगे ताकि बच्चों को ये सिखाने का मौका मिले और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले। मिलेगा, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना इनका था, कोशिश करेंगे जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे भी बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बातचीत जो है जो यहाँ पर लूजर टीम है इनसे भी कराएंगे क्योंकि इनका हौसला कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटा है, लेकिन उम्मीदें इनके अभी भी हमें अच्छी दिख रही है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि इन मैचेस के लिए कितनी प्रैक्टिस आपने की थी?
पहले तो मेरा नाम नदीम बख्श, मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ और जो कि आज हम फाइनल हार चुके हैं। तो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी और जो हमारी अपोनेंट टीम थी वो थोड़ा हमसे स्ट्रांग थी, हमारे में कहीं कामयाब रही जिसकी वजह से हम हार गए और आइंदा हम और वेल प्ले हार्डवर्क करके आएंगे और अच्छा खेलेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से मैचेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, माई यूथ माई प्राइड के टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, जगह जगह यूथ को मौका दिया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये अवेयर कर रहा है जो कि जो बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, किसी गलत काम क्राइम की वजह की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये मौका है वो अपना टैलेंट को उभारे, यहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखाए और दूर तक खेलें। तो उसके अलावा आज अब हारे हुए हैं तो दुख तो होता होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हार से ही बंदा सबक सीखता है, तो आगे आप किस तरह की मेहनत अब करेंगे? गिरते हैं शेरे सवा मैदान में होती क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात, यानी आगे आने वाले टाइम में और मेहनत आप करेंगे? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं जिन्हें यहाँ पर मैचेस खेले, कबड्डी के मैचेस खेले, डोडा वॉरियर्स और डोडा बॉयज़ का मैच यहाँ पर हुआ और कहीं ना कहीं फाइनल जो है डोडा वॉरियर्स ने यहाँ पर जीता और काफ़ी खुश लग रहे हैं और खुशी शायद जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सबसे पहले जानने की इनसे कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सावन कोतवाल है, मैं डोडा वॉरियर्स से जो इसमें टूर्नामेंट में आया था खेलने, बहुत अच्छा लग रहा है। मैट में पहली बार जो है मैट में खेल रहे थे, मैं थैंक यू करूँगा इनको जिन्होंने मैट में हमें खेलने का मौका दिया, तो बहुत खुशी हुई मैच जीतकर। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से एक्टिविटी डोडा में कराई जा रही है, यूथ कहीं ना कहीं जो है भटक रहा था, गलत एक्टिविटी में पड़ रहा था, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी अब डोडा में हो रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? सर मैं तो बहुत खुश समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज हमारे डोडा में हो रही है, पहले जो है ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती थी ज्यादा की, अब तो है यूथ को जो है ज्यादा मतलब की एक्टिविटी में भाग देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें भी बहुत खुशी मिलती है हमें क्या मौका जो हम इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और जैसे कि ये नशाबंद जैसी चीजें हैं इससे जो हम दूर रह रहे हैं इन चीजों से, तो हम इससे एक्टिव भी रह सकते हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी आपको खेलते हुए भी देखा मेरे, काफी जोश से खेल रहे थे, तो कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो या कितने मैचेस आज से पहले भी खेले हो? नहीं, ये हमारी जो टीम है डोडा वॉरियर, ये पिछले 2 साल से जो हम कंटिन्यू मैचेस खेल रही है, तो ये वही प्लेयर हैं आप देख सकते हैं, तो ये हम 2 साल से पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी जीत गए यहाँ पर। बिल्कुल, कहना चाहोगे स्पोर्ट? सर थैंक यू पहली बात फिर से कि हमारे लिए जो है इन्होंने मैट खोला, मैट में मौका मिला खेलने का, पहली बार मौका, बिल्कुल पहली बार जो है मैट में खेल रहे हैं। पहले दर्शकों में आपको बताता चलूं कि मैट पहली बार इन बच्चों ने देखा है और काफी ज्यादा खुश है क्योंकि डोडा में भी अब मैट आ चुका है और स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से काफी अच्छा काम डोडा में हुआ, बच्चों को मौका दिया जा रहा है, तो क्या कुछ आखिर में कहोगे स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए और उन बच्चों के लिए जो अभी भी खेल को पसंद नहीं करते, जो इन एक्टिविटीज में आना नहीं चाहते? मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में भाग ले, हर चीज में भाग लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इंसान तो एक्टिव रहता है, फिजिकल फिट भी रहता है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरी चीज़ों से दूर रहे, तो साथ में एजुकेशन भी साथ ले, लेकिन स्पोर्ट्स में जो है भाग लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी खुश और इनका साफ साफ यही कहना है कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, और उसके अलावा फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से अच्छी एक्टिविटी डोडा में हो रही है, माई यूथ माई प्राइड के प्रोग्राम जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यूथ को मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। उम्मीद और तवक्का स्पोर्ट काउंसिल से यही है कि आने वाले टाइम में और भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराए जाएंगे और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसके अलावा जितने भी रूरल एरियाज है वहां के बच्चों को भी मौका जो है आगे बढ़ने का दिया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।